स्वागत है आप सबका ब्लॉगिंग ऐप का यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ हाई सीपीसी निशेष बताऊंगा इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए। अब वो जो निशेष है उससे आप कोई भी कंट्री टारगेट कर सकते हो, उसमें आपको सीपीसी हाईएस्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो नीच है, ये जो टॉपिक है, इनके रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उन पर अच्छी खासी सीपीसी चलती रहती है। तो अगर आप यूएसए टारगेट कर रहे हो, कनाडा कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया कर रहे हो, इंग्लैंड कर रहे हो, जो भी आप कंट्री को टारगेट कर रहे हो वहाँ पर आपको अच्छी खासी सीपीसी मिलेगी ही। सो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में एक खास चीज़ ये है कि जो मैं आपको निश बताऊंगा और उसमें आप किस टाइप के आर्टिकल्स लिख सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो आपको उस पर काम करना और इजी हो जाएगा। और इसके रिलेटेड कीवर्ड कैसे फाइंड करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए। अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हो तो उसके लिए कैसे आप कीवर्ड फाइंड करोगे उसके ऊपर डिटेल में वीडियो है, और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप चेकआउट कर सकते हो। टोटल 5 निश बताऊंगा। तो जो पहला निश है वो है हमारा वीज़ा रिक्वायरमेंट्स और इमिग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन। अब वीज़ा रिक्वायरमेंट, जैसे मान लो यहाँ से इंडिया से कई सारे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं तो उन्हें वीज़ा चाहिए होता है, तो एजुकेशन या स्टडी वीज़ा जो भी वो लेते हैं वो कैसे लेंगे। मान लो यहाँ से कोई इंडिया से जा रहा है कनाडा यूएस पढ़ने जा रहा है, वो वहाँ पे वीज़ा कैसे अप्लाई करेगा, कैसे उसे मिलेगा, क्या क्या प्रोसीजर रहता है, आप उस टाइप के अलग अलग आर्टिकल्स लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने साथ में लिखा हुआ भी है सुपर वीज़ा, मल्टी एंट्री वीज़ा, फिर यहाँ पे होता है एजुकेशन और स्टडी वीज़ा। सुपर वीज़ा के ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो, मल्टी एंट्री वीज़ा के ऊपर लिख सकते हो, फिर जैसे स्टडी एजुकेशन जो वीज़ा होते हैं जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनके लिए आप बता सकते हो, वहाँ पे वो कैसे रह सकते हो उसका बता सकते हो। कई सारे लोग देश छोड़ के दूसरे देश में रहते हैं तो आप उस पर इमिग्रेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो कि कैसे आप वहाँ पे जाके बस सकते हो, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। ग्रीन कार्ड रेड कार्ड भी होता है वहाँ पे कि सिटीजनशिप चाहिए तो आपको 3 साल वहाँ पे ऐसे रहना पड़ता है, कई सारे जगह में होता है, तो आप वो सारे इन्फॉर्मेशन उस ब्लॉग पे शेयर कर सकते हो। और उसके रिलेटेड आप कीवर्ड यूज़ करोगे अच्छे सीपीसी वाले तो आपको सिंपल सी बात है हाई सीपीसी मिलेगा एडसेंस के रिलेटेड। और इन सारे निशेज पे एडसेंस आपको जल्दी मिलेगा क्योंकि इसमें हाई सीपीसी के बिड्स होते हैं, तो एडसेंस सिंपल सी बात है आपको अप्रूवल मिलेगा जल्दी से जल्दी, तो ये निश काफ़ी कमाल का है। तो दूसरा निश है वो है हमारा स्टॉक एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग। आपको मालूम है स्टॉक मार्केट और ऑनलाइन ट्रेडिंग काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, सबको बैठे बैठे पैसा चाहिए। आजकल काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन जो नए लोग आते हैं उन्हें मालूम नहीं होता कि कैसे करना है, क्या करना है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं करना है, किस में कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मालूम है तो आप उसके रिलेटेड पूरा ब्लॉग बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी, आप स्टॉक के प्राइजेस जो करंट चल रहे हैं वो बता सकते हो, आप न्यू स्टॉक के अपडेट चाहते हो कि ये नए स्टॉक्स आए हैं मार्केट में, आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो उसके रिलेटेड गाइड बना सकते हो, आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, मतलब आपको एक पर्टिकुलर ऐप पकड़ लो या फिर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जैसे ऐप्स होते हैं मोबाइल में, आप उनके प्रोसीजर बता सकते हो, स्टेप बाय स्टेप गाइड्स बता सकते हो कि यहाँ पे आप क्लिक करो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे ऐसा आप प्लेस कर सकते हो, इस तरह से आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, फिर जो भी इन्फॉर्मेशन इस रिलेटेड आप शेयर कर सकते हो, आप जो न्यू कंपनीज आ रहे हैं उनके प्राइजेस बता सकते हो, फ्यूचर प्रिडिक्शंस बता सकते हो, और इसमें काफ़ी अच्छा खासा आपको सीपीसी मिल सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हो काफ़ी सारे मिल सकते हैं। और अर्निंग के तो बहुत सारे मैंने तरीके बताए हुए, ऑलरेडी एक वीडियो है उसके ऊपर मैंने कई सारे तरीके बताए कि आप एक ब्लॉग पे कितने तरीके से अर्निंग कर सकते हो, मतलब उसे किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो, तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करना। तो तीसरे नंबर पर है वो है लॉयर एंड अटर्नी। जो बाहर के देश होते हैं वहाँ पे लॉयर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे सब लोग पढ़े लिखे हैं तो वो काम जल्दी खुद से करेंगे नहीं, तो जो भी उनका काम होता है वो उनका लॉयर ही संभालता है, तो वो लोग उसके रिलेटेड सर्च करते हैं। हो गया जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी, कार एक्सीडेंट लॉयर, ट्रक एक्सीडेंट लॉयर, फिर डाइवोर्स लॉयर, या फिर बिजनेस रिलेटेड लॉयर्स हो गए, और जितने भी लीगल काम है उन सबके लिए अलग अलग लॉयर लोग सर्च करते रहते हैं। और इन सारे कीवर्ड पे काफ़ी हाई सीपीसी के बिड्स लगते हैं, तो वहाँ पे आपको एक एक क्लिक के $100 के भी ऊपर मिल सकते हैं, तो लोग वो सर्च करते हैं, तो आप उसके रिलेटेड भी पूरा ब्लॉग बना सकते हो कि लॉयर कैसे बन सकते हैं, आप उसको वो भी बता सकते हो। चौथे नंबर पर जो निश है वो है स्टडी एजुकेशन और डिग्री। तो काफ़ी सारे लोग जैसे मैंने कहा बाहर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे स्टडीज़ के भी बारे में जानते हैं कि वहाँ पे स्टडीज़ कैसी चल रही है, वहाँ पे स्टडीज़ कैसी है, वहाँ पे कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो आप उनको वहाँ पे भी गाइड कर सकते हो, एडमिशन का प्रोसीजर बता सकते हो, कैसे एडमिशन लेते हैं, क्या क्या वहाँ पे पढ़ाई चल रही है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, ये सब आप उसमें लिख सकते हो। तो जो फिफ्थ निश है वो है फाइनेंस एंड लोन्स। अब आपको मालूम है वहाँ पे जो भी बाहर के लोग रहते हैं वो काफ़ी जल्दी कमाई में लग जाते हैं, तो वो सर्च करते हैं कि हम बजट कैसे करें क्योंकि वहाँ पे खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो बजट के रिलेटेड सर्च करते हैं कि हम कैसे सेविंग्स करें, कैसे बजट हमारा मेंटेन करके रखें ताकि सही से खर्चा हो। फिर लोन्स के रिलेटेड भी लोग सर्च करते हैं कि एजुकेशन लोन कैसे मिलेगा, हाउस लोन कैसे मिलेगा, कार लोन, व्हीकल लोन, जो भी होता है ये सारे लोग वहाँ पे सर्च कर सकते हो, तो आप फाइनेंस का रिलेटेड और लोन एक साथ में दोनों को चला सकते हो, तो आप इस तरीके से अलग अलग निश को भी साथ में जोड़ सकते हो या फिर एक पर्टिकुलर निश पे भी टारगेट कर सकते हो। तो ये सारे निश थे, 5 निश थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया जरूर इसे लाइक करना, शेयर करना अपने ब्लॉगर दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। और क्या फिर मिलते अगले वीडियो में।